मनी तूने अनुभव किया अकस्मात ये हमारे बड़ों की काया और माया बदली बदली प्रतीत हो रही है। हाँ मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक से पैर दबाना भी नहीं आता। इतने वर्षों तक नृत्य अभ्यास करके क्या सीखा तुमने? नृत्य का पैर दबाने से क्या मेल? मेल मेल का उल्लेख मत करो नर्तकी। इस समय विजयनगर में समय का परिवर्तन चक्र गतिमान है। कब कहां किसका शत्रु से मेल हो जाए कुछ पता नहीं चलता। जरा जोर से पैर दबाओ। अरे इतना जोर से मत दबाओ, थोड़ा धीरे दबाओ। कभी तो बोलते हैं जोर से और कभी बोलते हैं कम जोर से। सही से पैर दबवाने हैं तो हमारे समीप तबले बजवाइए, अन्यथा हम तो चले। तुम्हारा इतना दुस्साहस, हमें मना करोगी? कौन है यहाँ का राजा? राजा तो एक ही है, महाराज कृष्णदेव राय। नहीं, महाराज कृष्णदेव राय केवल कार्यवाहक राजा है। हम हैं यहाँ के वास्तविक राजा, महाराज तथा चार। और सुनो नर्तकी, यदि तुम हमारी ठीक से सेवा करोगी तो तुम्हें भी छोटे मोटे उपहार मिलते रहेंगे। परंतु आप तो गुरुवर हैं। हाँ अब तो हम मात्र राजगुरु बनकर रह गए, परंतु पूर्व में महाराज के लिए हमारी वाणी आदेश के समान हुआ करती थी। परंतु ये बीच में ये टपक पड़ा पंडित रामा कृष्णा, दरबार में आते ही सब गुड़ का गोबर कर दिया। परंतु अब हमारे पैरों में चुभने वाला कांटा स्वयं उस खाई में जा गिरा है जहां से कोई लौट कर वापस नहीं आता। अब हमारे मुरझाए हुए दिनों में पुनः खुशबू लौट आई है। अब विजयनगर में केवल और केवल हमारे नाम की हवा चलेगी। और सुनो नर्तकी, हम वो तुम्हारा पुराना बर्ताव सहन नहीं कर पाएंगे। परंतु आप हमें बस कोई पुरानी बात नहीं, जो बीत गई सो बीत गई, अब सब नया होगा। सुनाओ। जी महाराज। हम तुम्हें तुम्हारी योग्यता सिद्ध करने का अंतिम अवसर दे रहे हैं। जाओ हमारे लिए पेसा रेटू डोसा बना कर लाओ, जाओ। चल मनी, बुड्ढे से अवकाश मांगते हैं। हाँ और अवकाश मांगकर विजयनगर छोड़ के भाग जाते। चल चल। प्रणाम गुरुजी। महाराज महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज हमें एक दिवस का अवकाश चाहिए। अवकाश? कैसा अवकाश? महाराज आपको तो पता ही है, हमारे पड़ोस में रहने वाली श्री अम्मा गाय, उसके बछड़े छोटी अम्मा गाय का 5 वर्ष पूर्व देहांत हो गया। हमें अत्यंत ही दुख हुआ, हमें हमें उसके देहांत पर दुख व्यक्त करने जाना है। अरे मूर्खो, 5 वर्ष पूर्व मरे गाय के बछड़े का खेद व्यक्त करने जाना है, वो भी अब? महाराज हमें अचानक में ही याद आया तो हम सोचे इस कार्य को चल के पूरा कर देते, इसलिए। नहीं, तुम खेद छोटी अम्मा का नहीं पंडित रामा कृष्णा का जताने जाओगे, वो भी उसकी आवास पर, उसकी अम्मा और उसकी पत्नी शारदा के समक्ष। गुरुजी अभी नहीं जाएंगे। क्यों अभी क्यों नहीं? नहीं 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 गुरुजी, महाराज रात में घुसेंगे ना तो अम्मा लाठी से ना हमारा खेल कर देगी। आप तो जानती हैं अम्मा कितनी कुशलता से लाठी चलाती है, हम नहीं जाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, कल प्रातःकाल चले जाना। विजयनगर में सब उल्टे काम हो रहे हैं। ते काम ही तो होंगे, महाराज ने
रामा को जो विशेष सलाहकार रखा हुआ है उसे जीवन की सबसे पहली सलाह, सबसे पहला कार्य अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करना भी याद नहीं। जिस उम्र में मुझे राम नाम जपना चाहिए जी बाजारों में सब्जी लेने जाना पड़ रहा है। अम्मा आज सब्जी में क्या बनाए? तू मत बना, मैं बनाऊंगी रामा की चटनी। माँ वो रामा है, रामा घर में प्रवेश बाद में करेगा, पहले ये पूछेगा कि भोजन में क्या है। हाँ रामा लाज से दल ही नहीं आया, पता नहीं था है। आज घर आएगा तो मैं उसे उसकी नानी याद दिला दूंगी। बचपन में रात को तारे गिनता था, आज उसे दिन में तारे दिखाऊंगी और गिनाऊंगी भी। अम्मा आपने रामा को क्या खाकर पैदा किया था, एक जगह पर टिकते ही नहीं है। मुझे भी याद नहीं कि मैंने क्या खाकर उसे पैदा किया था। जब वो पेट में था तो रामा के पिताजी मुझे बहुत सारी जगह तीर्थ यात्रा पर लेकर गए थे। रामा के जन्म होने तक मैं निरंतर भ्रमण ही कर रही थी, इसीलिए उसके पैरों में चक्र लगे, एक जगह पर टिकता ही नहीं। मुझे यहां क्यों लाए हो? क्योंकि ये हमारा आदेश था। एकांत। महाराज, महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस यही तो पंडित रामकृष्ण, यही कि हम आप जैसे आस्तीन के सर को पहचान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। महाराज एक शब्द नहीं सुनना चाहते हम आप जैसे राजद्रोही के मुख से। आप पंडित रामकृष्ण, आप हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि आप हमारे विरुद्ध विजयनगर राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। इतना मान दिया था हमने आपको, सम्मान दिया था, मस्तक पे बिठाया था हमने आपको, और आप। महाराज मुझे मुझे मात्र एक अवसर दे दे अपनी सफाई देने का, मैं पंडित रामकृष्णा किसी भी न्याय व्यवस्था में दंड देने के पश्चात किसी भी आरोपी को अपनी सफाई का अवसर नहीं दिया जाता, और आपका दंड हम आपको सुना चुके हैं। पंडित रामकृष्णा कैसा लगा आपको हमारा ये खतरनाक कारावासी उपहास? डर गए ना? डर? इसे डर नहीं, इसे प्राण घातक होना कहते हैं, जानलेवा होना कहते हैं, किसी के प्राणों को हरने का प्रयास करना कहते हैं। महाराज आपने तो मुझे सर्प की उपाधि भी दे दी और राजद्रोही भी बना डाला। शांत हो जाइए पंडित रामकृष्णा, आप भी हम सबके साथ उपहास करते रहते हैं ना, तो आज हमें मौका मिल गया। रामा पंडित रामकृष्णा हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप हमारे या विजयनगर राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। और हमारे उपहास के कारण जो आपको मानसिक तनाव हुआ उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। नहीं नहीं महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं, क्षमा मांगना आपको शोभा नहीं देता। तो आपने आज मुझे बहुत डरा दिया था, मुझे लगा कि गुरुवर के द्वारा मेरे विरुद्ध दिए गए सभी तर्कों से आप सहमत हो गए, और अब यहाँ मंत्रीवर के साथ मिलकर मेरे साथ उपहास कर रहे हैं, हंस रहे हैं, वो भी उस समय जब शत्रु विजयनगर के अनहित के लिए तत्पर है। ऐसी गंभीर घड़ी में तो पंडित रामकृष्णा, संयम और विवेकशीलता तो हमारे महाराज की विशेषताएं हैं। स्मरण रहे, हड़बड़ी में ही सारी गड़बड़ी हो जाती है।
ठंडे दिमाग से कोई भी समस्या का समाधान भली भांति निकाला जा सकता है। यह आपसे अधिक कौन जान सकता है पंडित रामकृष्ण। परंतु पंडित रामकृष्ण, कुछ बातें अभी हमारी समझ में नहीं आ रही है। जैसे गुरुवर का आप पर राजद्रोह का दोष बनना, मुगल सल्तनत का वो गुप्तचर और वो गुप्त संदेश पत्र। महाराज, हमारे गुप्तचरों ने अभी अभी हमें यह संदेश दिया है कि मुगल राज्य से कोई व्यक्ति विजयनगर आया है और उसी व्यक्ति को आधी रात को विजयनगर की सीमा के पार जाते हुए देखा गया। और इतना ही नहीं महाराज, आगरा के कुछ दूरी पर मुगल सेना की एक टुकड़ी को सक्रिय किया गया है और इस बड़ी सक्रिय टुकड़ी को बहमनी राज्य की ओर भेजा गया है। परंतु योजना अनुसार अब वो टुकड़ी मार्ग बदलकर विजयनगर की ओर आ रही है। महाराज, हमें तो एक बहुत बड़ा संकट का संकेत लग रहा है। महाराज, इस षड्यंत्र की जड़ें गहरी और उनकी योजना अति घातक प्रतीत होती है। इसके तहत उनका पहला कदम था मुझे फंसाना और दूसरा विजयनगर पर आक्रमण करना। अर्थात गुरुवर का कथन सत्य था। उन्होंने आपके आवास पर आपको किसी गुप्तचर से बात करते हुए देखा था। कौन गुप्तचर महाराज, मैं तो सो रहा था। जब मैंने उसे देखा ही नहीं तो मैं बात कहां से करूंगा। यदि आप सो रहे थे पंडित रामकृष्ण, तो फिर वो गुप्तचर ये सारी बातें आपके आवास की दीवारों को सुना रहा था। एक क्षण महाराज, वो मुझसे बातें नहीं कर रहा था, अर्थात वो अपनी बातें किसी को सुना रहा था। किसे सुना रहा था? गुरुवर को। वो बड़ी चालाकी से गुरुवर को अपने पीछे पीछे मेरे निवास स्थान तक लेकर आया, फिर उन्हें दिखा दिखा कर मुझसे बात करने का अभिनय किया। गुरुवर को लगा कि मैं मुगलों से मिला हुआ हूं और वो दौड़े दौड़े आपको सूचित करने के लिए आए। गुप्तचर के यहां तक की योजना सफल हो गई। धनी मनी का मुगल दरबारी से मिलना, उस दरबारी का दो दो माह वाले व्यक्ति के बारे में पूछना और मुझे उस गुप्त संदेश पत्र का मिलना, इसमें से कुछ भी संयोग से नहीं हुआ है। ये तो मेरे ऊपर दोष डालकर मुझे फंसाने का एकमात्र उद्देश्य था। क्या? हाँ मंत्रीवर, ताकि मुझे रास्ते से हटाया जा सके। वो जानते थे कि गुरुवर और धनी मनी उनकी योजना का अनुमान कभी नहीं लगा पाएंगे और मुझे दोषी साबित करके बंदी बना लिया जाएगा। महाराज, हमें लगता है कि पंडित रामकृष्ण को फंसाने का यह पैंतरा थोड़ा कमजोर था। नहीं मंत्रीवर, जहां तक मैंने सुना है, शहंशाह बाबर की यदि आज्ञा ना हो तो उनसे आंखों से आंखें मिलाने वाले का वो वध कर देते। अब ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति तो यही सोचेगा कि ये पैंतरा पर्याप्त है आप लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने का, मुझे रास्ते से हटाने का। और जैसे ही आपका ध्यान अपने राज्य के अंदरूनी राजद्रोहियों से निपटने में लगता, बाबर को मौका मिल जाता और वो विजयनगर पर आक्रमण कर देता। किंतु वो ये नहीं जानता कि हमारे महाराज कितने धीर और लोकतंत्रशाली हैं, जिनमें ना ही असुरक्षा, ना ही अहम की भावना है और ना ही बिना जांच पड़ताल के किसी को दंडित करते हैं। वो आपकी महानता के विषय में नहीं जानता महाराज। आपके कहने का तात्पर्य क्या है पंडित रामकृष्ण? महाराज, मेरे और आपके मध्य दरार उत्पन्न करने की कोशिश में उन्होंने अपनी आक्रमण वाली योजना से तो हमें आगाह करा दिया, किंतु हम सबका और विशेषकर आपका आकलन करने में वो भूल कर गए। वो हमें जानते तो हैं किंतु पहचान नहीं पाए। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, बिना जाने ही, बिना मिले ही आपने बाबर की योजना को पहचान लिया। बड़ी पारखी दूरदृष्टि पाई है आपने। हम प्रभावित हुए। परंतु महाराज, मुगलों की सेना तो विजयनगर की ओर प्रस्थान कर चुकी होगी। तो आने दो उन्हें, आने दो सुल्तान बाबर को। विजयनगर की पावन धरती पर कदम रखने से पहले ही हम। महाराज, मुझे आपसे एक वचन चाहिए। कैसा वचन? यही कि मैं आपसे जो मांगूंगा आप मुझे देंगे।
दे देंगे पंडित रामकृष्ण, परंतु वचन क्या है? महाराज यदि मुझ पर भरोसा है तो पहले वचन दे दीजिए। दिया वचन पंडित रामकृष्ण, बताइए क्या बात है? महाराज युद्ध कभी भी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता, वो तो स्वयं एक समस्या होती है, और मैं इस अनावश्यक युद्ध को टालने का प्रयास करना चाहता हूँ। महाराज मैं बाबर को वास्तविकता का आईना दिखाकर ये समझाना चाहता हूँ कि एक महाराज एक राजा की महानता क्रूरता के विजय रथ पर सवार होकर जग जीतने में नहीं होती। अभी तो मानवता की बैलगाड़ी पर बैठकर अपनी प्रजा की भलाई में लोगों का हृदय जीतने में होती है। और ये समझाने के लिए मुझे आगरा जाना होगा, और वो भी अकेले। पंडित रामकृष्ण ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा हो उसके पास स्वयं जाना आत्मघाती हो सकता है। महाराज मैं मातृभूमि की रक्षा करने का ये अवसर अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। बाबर मुझे देखकर विचलित हो जाएगा, मैं उसके सामने जाकर उसकी गद्दी हिला दूंगा। उसे पता नहीं कि विजयनगर की रक्षा के लिए मुझ जैसे 100 रामकृष्ण मिट सकते हैं, किंतु उसका सामना करने के लिए मात्र एक कृष्णदेव राय पर्याप्त है, और यही समझ मुझे बाबर को देनी है। भले ही आप और मंत्रीवर मुझे दोषी नहीं मानते, किंतु मुझ पर राजद्रोह का आरोप लगा है, और शीघ्र ही ये बात पूरे विजयनगर में फैल जाएगी। मैं इस कलंक को मिटाना चाहता हूं महाराज। नहीं पंडित रामकृष्ण, हम आपको आत्महत्या करने नहीं जाने दे सकते। महाराज आपने मुझे वचन दिया है, मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे। मुझे आगरा जाकर बाबर से मिलने की अनुमति चाहिए बस। परंतु रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पंडित रामकृष्ण को जाने दीजिए महाराज, इन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ी शक्ति है, बुद्धि के बल की शक्ति। आपने हमें वचनबद्ध किया है पंडित रामकृष्ण, क्या कर सकते हैं? जाइए पंडित रामकृष्ण, आप जाइए, मां आपकी रक्षा करेगी। धन्यवाद महाराज। इस बार रघुकुल रीत सदा चली आई, रामा जाए पर वचन ना जाए। समय आ गया है मुगलों को सबक सिखाने का, बहुत शीघ्र शहंशाह बाबर को हमारी शक्ति का आभास हो जाएगा। 2 माह वाले बेटे को ढूंढ रहे थे ना, वो स्वयं उनसे मिलने आ रहा है।